सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस आप लोगों को बताया था, जिसमें 50-60 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे और वो फर्स्ट सेमेस्टर DLED के एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं और मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका पार्ट टू भी चाहते हैं, तभी मैं इसकी पार्ट टू बनाऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया और आप लोगों ने डिमांड भी की है कि इसका पार्ट टू भी बनाया जाए और साथ ही साथ आप लोगों ने इसकी PDF फाइल भी मांगी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों की सारी डिमांडें पूरी होने वाली है और उसका पार्ट टू भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और चलिए, अब बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय जो है वहाँ तक पूछ लिया था आप लोगों से, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। आज से शुरू करने हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, क्योंकि सुनने से ही बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इग्नू की स्थापना 188 पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुआ था जो अधीन है, किसके अधीन है वो बताना है आपको। तो इसका आंसर है MHRD 1989। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना, इसका सही आंसर है 1952-53। अगला क्वेश्चन है, अरबी और फारसी अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर है 1781 ईस्वी। पहला विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में किन किन स्थानों पर स्थापित हुआ, इसका सही आंसर है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो भारत में 1857 ईस्वी में स्थापित किए गए थे, वो तीन जगहों पर स्थापित किए गए थे जिसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई हैं। महिला समस्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, सही आंसर है 1889 है दोस्तों, 79 पढ़ लिया मैंने, 1889। उसके बाद क्वेश्चन है, दसवीं कक्षा तक शिक्षा के बाद कौन आयोग ने 2 वर्षीय इंटर शिक्षा की अनुशंसा की है, इसका सही आंसर है मुदालियर आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग द्वारा अधिगम के 4 स्तंभ की अनुशंसा की गई है, इसका सही आंसर है डेलर्स रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का व्यावसायिकता का अनुशंसा किसने की, सही आंसर है मुदालियर आयोग। उसके बाद एक क्वेश्चन लगता है यहाँ पर छूट गया दोस्तों, किस आयोग द्वारा अधिगम के 4 स्तंभ की अनुशंसा की, इसका सही आंसर है डेलर्स रिपोर्ट। और भारत में शिक्षा का व्यावसायिकता की अनुशंसा किसने की, इसका सही जवाब है मुदालियर आयोग। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, सही आंसर है 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, DPEP का संबंध किससे है या DPEP किससे संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो DPEP होते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, वो प्रारंभिक शिक्षा से ही संबंधित है, इसका सही आंसर है प्रारंभिक शिक्षा। अगला सवाल है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ, सही आंसर है 1917 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग का स्थापना कब हुआ, सही आंसर है 1917 ईस्वी। दोस्तों, यहाँ पे 1 ईस्वी वाले क्वेश्चंस को एक जगह कर दिया गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने जब क्वेश्चन शुरू किया था तो उसमें 1992 वाले सारे क्वेश्चन जो है वो एक जगह थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1901 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या था, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे देश की जनसंख्या उस वक्त क्या थी, तो मात्र 10% थी। ये 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। 1901 दोस्तों आज से लगभग 100 साल पहले की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में हर 10 साल पे जनगणना होते हैं। लास्ट टाइम हमारे देश में 2011 में जनगणना हुई थी और अब हम लोगों के देश में 2021 में जनगणना होंगी। इस तरह से 10 साल पे हमारे देश में जनगणना होती है। तो ये 1901 की जनगणना के अनुसार है जो मात्र 10% थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उस वक्त हमारे देश में क्या आलम होगा, क्योंकि जो शिक्षित लोग जो थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी। यही वजह है कि हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था और 10% लोग ही मात्र शिक्षित थे उस वक्त। अगला सवाल है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, सही आंसर है 4 नवंबर 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर कौन था नहीं बल्कि कौन थी होने चाहिए था, लिखा हुआ है इसका सही आंसर दुर्गाबाई देशमुख। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित किया गया था,
इसका सही आंसर है 26 अगस्त 2009। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जिसे RTE 2009 भी हम लोग कहते हैं, वो 26 अगस्त 2009 को संविधान में पारित किया गया था और उसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था, शायद जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये पूरे भारत में लागू है 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन जो पारित हुआ था ये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये 26 अगस्त 2009 को ही पारित कर दिया गया था। भारत में शिक्षा का विस्तार कब हुआ? भारत में शिक्षा का विस्तार हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष तक के सभी बच्चे की शिक्षा आती है? ये सभी हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल के आखिर शिक्षक हैं, तो ये तो पता ही होगा हम लोगों को। और 6 से 14 वर्ष इसका सही जवाब है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस सन तथा किसने पारित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों, भारतीय संसद ने 2009 में। अभी इससे संबंधित ऊपर हम लोगों ने सवाल किया था कि RTE जो है वो कब पारित किया गया था, 26 अगस्त 2009। यहाँ पे किसने पारित किया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संसद ने, भारतीय संसद में ये पास किया गया था। अब बिहार का साक्षरता दर यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, बिहार का साक्षरता दर क्या है? इसका सही आंसर है 63.8%। ये जो प्रतिशत है दोस्तों 63.8, ये भारत की पिछली जनगणना के अनुसार यानी 2011 के जनगणना के अनुसार है जो बिहार में साक्षरता का दर बता रहा है यहाँ पे 63.8। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की घोषणा नामक दस्तावेज कब जारी किए गए? इसका सही आंसर है 1948 ईस्वी। अगला सवाल, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा कहलाती है क्या? शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाती है? सही आंसर है निम्न प्राथमिक। अगला सवाल है, बच्चों के लिए पूर्व बाल काल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसका उत्तरदायित्व होगा? सही आंसर है राज्य का। जो आंगनबाड़ी दोस्तों शिक्षा आता है वो इसी के अंतर्गत आता है। बच्चे के लिए पूर्व बाल काल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसका उत्तरदायित्व है, तो ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए कितने मूल्य कर्तव्यों को शामिल किया गया है? सही आंसर है 10। अगला सवाल है, विद्यालय का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? सही आंसर है अभिशासन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सार्जेंट रिपोर्ट का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1944। NCERT का मुख्य उद्देश्य क्या था? NCERT जो हम लोगों के नेशनल स्तर पे है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सही आंसर है विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना। सामान्य सभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? MHRD इसका सही आंसर है, जिसे हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी कह सकते हैं। तो ये है सामान्य सभा के पादन अध्यक्ष। NCERT कितने स्थानों पर स्थापित की गई है दोस्तों? अभी तक पूरे देश में जो 36 स्थान पर स्थापित किए गए हैं NCERT, इसका सही आंसर है 36। NCERT की स्थापना कहाँ हुआ था? सबसे पहले दोस्तों NCERT का स्थापना जो है, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो 1 सितंबर 1961 को हुआ था, लेकिन सबसे पहले दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला सवाल है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1973। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है सरदार पटेल, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य के एक स्वायत्ता प्राप्त इकाई की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 2 अप्रैल 1970। अगला सवाल है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है राज्यपाल। जिला स्तरीय या मंडनीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई किस ईस्वी में की गई, वो आपको बताना है, जिसका सही आंसर है 1988 ईस्वी। प्राचीन काल में शिक्षा को क्या समझा जाता था? सही आंसर है स्व उत्थान की प्रक्रिया। ये दोस्तों हम लोग का सबसे पहला चैप्टर जो है, जब आप पढ़ेंगे 501 PDF फाइल, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर ये है जिसमें गुरु के बारे में और गुरु की भूमिका के बारे में बताया गया। तो उस समय जो है प्राचीन काल की शिक्षा के बारे में बताया गया था, तो शिक्षा को जो है पहले समझा जाता था स्व उत्थान की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस सब इसमें सारे क्वेश्चन जो तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एक बार जरूर पढ़ लें एग्जाम देने से पहले। प्राचीन काल में शिक्षा का शुभ आरंभ कब से होता था? इसका सही आंसर है उपनयन संस्कार से। प्राचीन भारतीय शिक्षाओं में स्मृति का सहारा लेने का क्या कारण था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है प्रिंटिंग व्यवस्था ना होने के कारण। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब उस समय में प्राचीन भारत में जब हमारे पास प्रिंटिंग व्यवस्था नहीं होती थी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को लिखने के लिए क्या किया जाता था कि जिनकी मेमोरी अच्छी होती थी, जिनकी याददाश्त अच्छी होती थी,
उनके दिमाग में ही वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखी दी जाती थी। उनको कहा जाता था कि आप इसे अच्छे से ढंग से याद करके रखें और फिर अपने आने वाली अगली पीढ़ी को यानी अपने विद्यार्थियों को इसे बता दें और फिर उन्हें भी इसे याद रखें। क्योंकि उस समय जो है किसी किताब की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि प्रिंटिंग की कोई साधन वहाँ पर नहीं था, तो प्रिंट किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता था, इसलिए स्मृति का सहारा लिया जाता था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। गुरु को समाज में ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता था? सही आंसर है स्वार्थ रहित सेवा के लिए। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया था? सही आंसर है मठ और मंदिर। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है कुमार गुप्त। डाइट की कितनी शाखाएँ होती हैं? सही आंसर है 7। NCERT की कितनी शाखाएँ हैं? सही आंसर है 9। शिक्षाकर्मी परियोजना क्या है? सही आंसर है यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद है बाल शिक्षा परियोजना किस सरकार ने प्रारंभ किया? सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। DPEP परियोजना का क्या उद्देश्य है? सही आंसर है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो दोस्तों ये जो है इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो अच्छी लगी। और इसी तरह के वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और अगर जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।